हेलो भाई, मैं हिमांशु। तो ये गाड़ी चल चुकी है भाई 61,220 60,000 क्रॉस कर चुकी है, और अब इसके टाइम आ गया कि हम जो इस पर टायर लगे होते हैं वो चेंज करवाए, क्योंकि अब यार इसमें इतने पंचर हो चुके हैं ना, मतलब अब डर सा आता है कि यार कहीं कुछ हादसा ना हो जाए बीच में। मैं आपको टायर की कंडीशन दिखा रखता हूँ। टायर इतने पुराने नहीं हुए, पर ये इतना मतलब क्या हुआ था, एक साल पहले ये सारी रोड बिल्कुल फटके सीवर दबे थे, तो वो सारी रोड टूटी पड़ी थी, तो उसमें चल चल के सारे टायर कट चुके हैं। ठीक है, उस साइड वाला हमने अभी स्टेप नहीं चेंज करी है, वो पूरा कट चुका है, पर लाइफ तो बची है टायरों की। पर टाइम आ गया है कि यार इसे चेंज करवा दे। मैं स्पेयर भी लगा हुआ है, आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये वाला टायर तो भाई बिल्कुल कट चुका था, इतने कट लगे हुए हैं और इस टायर में भी इतने पंचर हो चुके हैं ना। टायर तो चेंज करवाने हैं, पर इस गाड़ी पर थोड़ा सा शनि भारी होता है, तो थोड़ी सी लग भी गई। ठीक है, भाई चले गए थे गांव, गया हुआ था तो ट्रक ने मार दी थी। और क्या है ना, जैसे यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा ना, तो ये सारा उखड़ गया है, मतलब इसकी पूरी सीट उखड़ चुकी है। देखते हैं, ये भी अब ठीक ही होगी, नहीं लगेगी। अब फिलहाल चलते हैं। ठीक है, तो अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लो, क्यों ऐसे मज़ेदार कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पे। और अभी तो स्टार्टिंग है, और आगे चलते रहेंगे ना, और जामफाड़ कंटेंट लाएंगे। ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर ही आएंगे। फटाफट गाड़ी को छोड़ के आते हैं, उससे पहले गाड़ी में से सारा सामान निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, हम सोना जो आपका बाईपास आता है उस पर खड़े थे मेरे भाई, रेड लाइट पे खड़े थे ग्रीन हुई ना, तो हमने चलाने के लिए पहला गियर ही लगाया, और पीछे एक ट्रक खड़ा था, उसने भाई एकदम चला दी, मतलब दबा दिया पूरा। जब मैंने दिखाया आपको पिछला हिस्सा, वो पूरा दबा दिया इसने। अभी मैं टायर इन्फ्लेटर भी लाया था, इसका भी रिव्यू दूंगा आपको। ठीक है, देखते यार, तो अभी चलते सीधा इसको सर्विस सेंटर ही छोड़ेंगे, कि टायर आके क्यों 10 दिन वहाँ खड़ी रहनी है, तो टायर आके चेंज करवा लेंगे, करवाते चले जाएंगे, वो देखते हैं आगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं। मैं भाई यहाँ पे तहसील के पास है, ये MRF फ्रेंचाइजी द्वारका टायर्स, यहाँ पे आए और यहाँ देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहता। गाड़ी पीछे खड़ी है, पापा और वो बात कर रहे हैं भाई कौन कौन से टायर, दो टायर बदलवा रहे हैं, तो कौन कौन से बदलवाने चाहिए वो हम देखेंगे। ये भाई देख रहे हैं कि कौन सा टायर सही है, अभी चल सकता है थोड़े और। अगले तो नए होने चाहिए, आप जो कह रहे हो मैं उस बात को लेके जा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, चल जाएगा ये टायर। ये पंचर बहुत होता है ये वाला। हमने डिसाइड किया है कि आगे वाले दो बदलवा लेंगे, एक स्टेपनी वाला हो गया, ठीक है, और एक ड्राइवर साइड वाला, तो बैलेंसिंग बन जाएगी दोनों, नहीं एक पुराने एक नया थोड़ा हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी काम हो गया, स्टेपनी उतर चुकी है, मतलब अलॉय उतर चुका है, मैं बता चुका आपको स्टेपनी हो चुकी है, अलॉय उतर चुका है, अब टायर चेंज होंगे और आपको दिखाता हूँ बैलेंसिंग हो गया। ये लो भाई, हो चुका है एक टायर, तो बिल्कुल नया लग चुका है, अब दूसरा लगेगा। इतने कुछ का बिल आया भाई हमारा, टायर चेंज हो चुके हैं, आप सीधा चल रहे हैं यार कहाँ, सर्विस सेंटर इसके वर्कशॉप पे। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है भाई दूसरा दिन, ठीक है, और कल गाड़ी खड़ी करके नहीं आया था मैं, कुछ रीज़न है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना, वहाँ पहुँच के आपको सारी स्टोरी बताता हूँ।
अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमने उस दिन गाड़ी क्यों नहीं दी, ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हमारा मन नहीं कर रहा उनकी गाड़ी देने के लिए, हम वापस घर ले आए थे। तो दरअसल बात करिए, आपने पूरी वीडियो देखी, हम वहाँ पे जाके बैठे 15-20 मिनट कम से कम हम बैठे, किसी ने अटेंड नहीं किया कि आ रहे हम बैठे रहे। 15-20 मिनट बैठने के बाद हमारे पास एक बंदा आया, उसने देखी गाड़ी, क्लेम रजिस्टर करवाया उसने। उसके बाद उस बंदे का ऐसी मतलब उसने ऐसा बोला कि भाई हमारा उसके बाद देने का मन नहीं किया। क्या बोला, उन्हें सारी क्लेम फॉर्म सब भरवा दिए हमारे, हमने सारे गाड़ी के पेपर्स दे दिए उनको, RC इंश्योरेंस की कॉपी जो होती है। बाहर जाके उसने गाड़ी का देखा कि भाई कितनी डैमेज है, उसने बोला मतलब आपने डेंट देखा कि कम से कम 15 दिन गाड़ी, 15 दिन तक गाड़ी हमारे यहाँ पे खड़ी रहेगी। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि यहाँ पे होगी भी नहीं, ये द्वारका में मटियाला गांव पड़ता है, वहाँ पे जाके ठीक होगी, मतलब पेंट पूंट दिन का सब वहाँ पे होगा। मैं कह यार अब 15 दिन तुम यहाँ गाड़ी रखोगे ठीक है, इससे बढ़िया हम खुद मटियाला जाके ना दिया है, थोड़ी सी जानकारी भी थी हमारी वहाँ पे, तो हमने बात बुत करवा के हमने गाड़ी दे दी। और यहाँ का नंगली का जो DD मोटर से राना है क्लेम में, सच्ची बताऊँ तो इनका मुझे बिहेवियर सच्ची पसंद नहीं आता, जैसे इनकी बोलचाल है। मटियाला में गया था मैं, वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया बोलचाल, पूरी बढ़िया सर्विस हुई जाती है, हमें पूछा कि क्या हुआ सर क्या करना है। और ओवरऑल मतलब मुझे मटियाला ज़्यादा बेस्ट लगा। तो उसके बाद गाड़ी हम दिया आए थे और उन्होंने क्लियर उसने नहीं था कि कह रहे सर अगर गाड़ी के पार्ट्स चेंज हो गए तो 10 दिन तो लगेंगे नहीं, अगर रिपेयरेबल हुआ सारा तो हम आपको हफ्ते में गाड़ी दे देंगे। तो ठीक है यार, उसके बाद हम मैं कह ठीक है रख लो तुम, बस काम बढ़िया कर दो। और हम तो यही चाहते हैं भाई कि हमारी गाड़ी जाए बिल्कुल टिप टॉप बन के, बिल्कुल नई सी बन के हमारे घर पर आके खड़ी हो जाए। तो बस यहीं तक ये वीडियो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।